नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।